नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 4th of September 2023 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले जो आज का हम लोग न्यूज पिकअप किया हम लोगों ने वो असम ट्रिब्यून का जो आर्टिकल है, अगर आप देख लीजिएगा एडिटोरियल पेज में तो वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किया गया। एंड ट्रस्ट मी व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव आई विल टेल यू राइट। देखो सबसे पहले तो आर्टिकल का मेन टॉपिक था दैट यस मिनिमम वेजेस ऑफ पी वर्कर्स राइट। पी वर्कर्स जो क्या आसाम के जो एक्सक्यूज मी गाइस या पी वर्कर्स जो क्या आसाम का लार्जेस्ट, देखो क्लियरली यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक मिनट यस। सो टी वर्कर्स जो है, आज टी गार्डन वर्कर्स जो है आसाम में लार्जेस्ट वर्कफोर्स है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंशियस इश्यूज देखे जा रहे हैं सोशली एज वेल एज पॉलिटिकली, और वो कंटेंशियस इश्यूज है उनके मिनिमम वेजेस को लेकर, उनका वेजेस मिनिमम कितना होना चाहिए। देखो अब आप दो पर्सपेक्टिव से सोच सकते हो, आप फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ सोशल यू नो पर्सन यू कैन थिंक ऑफ देयर अपलिफ्टमेंट ऑफकोर्स, जो कि ऑफकोर्स सबका होना चाहिए, सबको अपना बेसिक जो इंपॉर्टेंट ड्यूज जो है वो तो मिलने ही चाहिए, है ना। सो उस पर्सपेक्टिव के थ्रू तो आप बोलोगे दैट हाँ पैसे इन लोगों को सैलरीज बढ़ने चाहिए, बट एक इसका अलग एंगल भी आ जाता है दैट अगर एक्सेसिव एक लेवल से ज्यादा अगर इनका सैलरी बढ़ गया, जो हद से ज्यादा अगर इनको सैलरी मिल गया, तो आपको समझना पड़ेगा दैट वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ही वो काउंट होगा। एंड इवेंचुअली जब आपको वो लास्ट चाय पत्ती से फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए यार 1000 रुपए किलो में अगर बिक रही है तो शायद उसका दाम बढ़कर 1500 रुपए किलो हो जाएगा, समझ लो। तो एक कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से भी सोचना पड़ेगा, एक प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव से भी सोचना पड़ेगा, बट साथ ही साथ आप कंज्यूमर और एक बिजनेस पर्सपेक्टिव अगर सोचेगा तो एक और भी एंगल आ जाता है दैट विदेशों से जो चाय पत्ती है उससे कंपटीशन हम लोग कितना फेस करने वाले हैं राइट। सो बेसिकली मिनिमम वेजेस ऑफ टी वर्कर्स इज द मेन फोर्स आई मीन मेन टॉपिक दैट इज वी नीड टू बी डिस्कस्ड हियर। और कहा जा रहा है ट्रेडिशनली अगर इनके वेजेस के बारे में बात करें तो इनके वेजेस को फिक्स किया जाता था एक निगोशिएशन मैकेनिज्म के थ्रू, और वो निगोशिएशन मैकेनिज्म जो होता था कंपनी जो चाय की कंपनी थी और जो वर्कर्स जो टी वर्कर्स होते थे ना टी गार्डन वर्कर्स उनके एक रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली इनके बीच में निगोशिएशन होता था। और इनके रिप्रेजेंटेटिव कौन था, वो था कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ प्लांटर्स एसोसिएशन CCPA, जो कि ऑफ कोर्स इन प्लांटर्स को रिप्रेजेंट करता था। अब 2015 में इन लोगों ने एक बायलैटरल एग्रीमेंट किया था जिसके तहत यू नो बोला गया था दैट हाँ हम लोग फिक्स करेंगे एक बेसिक मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म होगा जिसके तहत चाय की कितनी रेट होनी चाहिए वो चीजें फिक्स की जाएंगी, जो कि ऑफ कोर्स सक्सेसिव लेकिन देख लीजिएगा हाइक भी हुआ था, ये 100 रुपए से कम यू नो उनकी सैलरी थी उससे भी ज्यादा ज्यादा बढ़ते गई राइट। तो सक्सेसिव स्टेजेस में जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती रही वैसे तो उनका बढ़ता रहा, बट तभी भी अगर देख लीजिएगा जो टी वर्कर्स है उनका एक जरूर से कंप्लेन था, और वो कंप्लेन था दैट यस इट इज लेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वर्कर्स। इसीलिए फाइनली अभी एक चेंजेस लाया गया, वो चेंज क्या है, वो चेंज है रिगार्डिंग द फैक्ट दैट असम गवर्नमेंट ने फाइनली टेक्निकल सपोर्ट मांगा है किससे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से टेक्निकल सपोर्ट माना है दैट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एडिक्वेट मिनिमम वेज, है ना। अब देखो इससे फायदा क्या होने वाला है, कहा जा रहा है दैट आने वाले समय में जो उनकी क्या बोल सकते हैं लिविंग आइडिया ऑफ लिविंग वेज उसको कहीं ना कहीं प्रमोट किया जा रहा है थ्रू द रिसर्च डायलॉग एंड डिस्कशन। तो देखा जाए, देखो ये इन न्यूज इन ट्रांजिशन ही बोलूंगा क्योंकि अभी अगर देख लीजिएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वो अपनी क्या वर्डिक्ट देती है उसके ऊपर में फर्दर बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे जो क्या अगेन दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द लेटर फेजेस, बट यस फॉर द टाइम बींग दिस इज वॉट इज द मेन न्यूज। नेक्स्ट हम लोग न्यूज अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर इंटरनेशनल वल्चर डे के बारे में डिस्कस करेंगे जो क्या ऑफकोर्स हर सितंबर का पहला सैटरडे को इंटरनेशनल वल्चर डे मनाया जाता है, तो ये आप याद जरूर रखिएगा ठीक है। अच्छा नाउ वल्चर क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर देखो जो प्रीडेटर स्पीशीज होते हैं ना, है ना, ऑफ कोर्स अगर आप देख लोगे सैप्रोफाइट्स उसमें यू नो कहीं ना कहीं टॉप प्रीडेटर आप बोल सकते हो, एंड वल्चर्स आर इकोलॉजिकली वाइटल ग्रुप ऑफ बर्ड्स। क्यों,
क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने बोल रहा हूँ, कोई भी अगर यू नो कर्कासेस, जैसे एनिमल कर्कासेस होता है, तो उसको फीड कौन करता है? वल्चर्स ही करते हैं, राइट? एंड यस, पॉपुलेशन अगर देख लीजिएगा, बहुत सारे वल्चर्स के स्पीशीज होते हैं और उनके पॉपुलेशन जो कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर है, और कुछ कुछ तो ऐसे भी वल्चर के स्पीशीज है जो क्या IUCN रेड डेटा लिस्ट के क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में आए हुए हैं, राइट? सो वही बोला गया, देयर आर मेनी वल्चर स्पीशीज जो कि अभी भी एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं. एंड मेन चीज, मेन रीजन दैट क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं देख लीजिएगा, रैम्पेंट यूज देखने को मिल रहा है हमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे डाइक्लोफेनाक, राइट? अब डाइक्लोफेनाक एक ऐसा ड्रग है जिससे क्या, जो कि एनिमल्स को विजुअली खिलाया जाता है जिससे कि उनका दर्द ना हो, बट जब वो एनिमल मर जाता है तभी भी उसके शरीर में वो डाइक्लोफेनाक के जो अंश है वो रहते हैं, और डाइक्लोफेनाक जो है ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली वल्चर्स के लिए एज अ यू नो पॉइजन काम करता है, राइट? सो अगर वल्चर्स उन एनिमल कर्कासेस के ऊपर उनको खाते हैं तो इवेंचुअली ये भी डाई आउट हो जाते हैं, ठीक है? सो एनीवेज इस टाइप के अवेयरनेस क्रिएशन के कारण ही ये मनाया जाता है. और कहीं ना कहीं अगर हमारे देश में देख लीजिएगा, यस देयर इज एन एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020 to 2025. इसके बाद इसके अगर बेसिक देख लीजिएगा तो इसके बेसिक्स क्या है, दैट येट इसके तहत, इस एक्शन प्लान के तहत प्रपोज किया गया दैट एक वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर सेटअप किया जाएगा. कहां? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में. साथ ही साथ देयर वुड ऑल्सो बी अ कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम, और ये कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम जो होगा वो किसके लिए? रेड हेडेड वल्चर और इजिप्शियन वल्चर्स के लिए. एंड एटलीस्ट वन वल्चर सेफ जोन हर एक स्टेट में यू नो सेटअप किया जाएगा फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रेमनेंट पॉपुलेशन ऑफ वल्चर्स. जो क्या वल्चर्स के पॉपुलेशन बचे हुए हैं उनके लिए एटलीस्ट एक वल्चर सेफ जोन तो हर स्टेट में सेटअप किया जाएगा. साथ ही साथ चार रेस्क्यू सेंटर्स भी अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज ऑफ इंडिया में बनाई जाएंगी, जिसमें नॉर्थ इंडिया में पिंजौर, सेंट्रल इंडिया में भोपाल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गुवाहाटी, बहुत इंपॉर्टेंट, और ऑफकोर्स साउथ इंडिया में हैदराबाद, एज वेल एज रेगुलर सर्वे भी किया जाएगा जिससे उनके पॉपुलेशन को ट्रैक किया जा सके, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्पीशीज ऑफ वल्चर्स है जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड दे आर इन थ्रेट, राइट? सो समय के साथ साथ अगर उनके पॉपुलेशन को ट्रैक किया जाएगा सो दैट विल बी बेटर फॉर द कंजर्वेशन एक्टिविटीज. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कोकबोरोक लैंग्वेज के बारे में, जो क्या एक लैंग्वेज है त्रिपुरा स्टेट का. नाउ ये क्यों इंपॉर्टेंट था, अब पहले तो ये देख लेते हैं, क्योंकि अराउंड 260 इंडिविजुअल्स वेर डिटेन्ड इन त्रिपुरा 12-hour statewide strike के दौरान. एक्चुअली वो लोग क्या बोल रहे हैं ना, वो लोग बोल रहे हैं दैट रोमन स्क्रिप्ट जो है ना कोकबोरोक लैंग्वेज के लिए उसको इंडिजिनस लैंग्वेज घोषित किया जाए स्टेट पे, राइट? अब देखो क्या होता है ना, कोई भी अगर आप मांग रखते हो तो दैट शुड बी यू नो इन अ वे जो गांधीजम एक्टिविटीज के थ्रू होने चाहिए, राइट? तो कोकबोरोक के बारे में अगर बात करें, कोकबोरोक एक सिनो तिब्बतियन लैंग्वेज है जो कि स्पीक किया जाता है बाई अबाउट 1 million 10 lakh के आसपास लोगों के द्वारा स्पीक किया जाता है त्रिपुरा स्टेट में, ठीक है? एंड इट इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा. त्रिपुरा का ऑफिशियल लैंग्वेज अगर देख लीजिएगा बंगाली भी है, बंगाली के साथ साथ कोकबोरोक लैंग्वेज भी है. रिलेटिवली इस रीजन में अगर देख लीजिएगा होमोजेनस लैंग्वेज है विद सेवरल डायलेक्ट जो क्या स्पीक किया जाता है त्रिपुरा. एंड इट इज अ लिंगुआ फ्रैंका ऑफ मोस्ट ऑफ द 19 जो ट्राइबल कम्युनिटीज है ना जो कि त्रिपुरा में रहती है उनके लिए यह एक लिंगुआ फ्रैंका भी है. लिंगुआ फ्रैंका का मतलब क्या होता है, देखो जैसे हम बोल सकते हैं दैट इंडिया में हिंदी इज द लिंगुआ फ्रैंका, मतलब मैक्सिमम जो लोग कोई भी अगर देश का वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज अगर बोलते हैं तो उसको लिंगुआ फ्रैंका बोलते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल अगर फ्रांस का बोल लेंगे तो फ्रेंच, जर्मनी का अगर मैं बोलूंगा जर्मन इज अ लिंगुआ फ्रैंका, राइट? वैसे ही चाइना का तो मंदरिन, राइट? तो इस टाइप से चीजें समझ में आनी चाहिए, राइट? एनीवेज नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गाइज रिगार्डिंग एनसीईआरटी एज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने अनाउंस किया है दैट एनसीईआरटी दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग को ग्रांट किया गया है एज अ स्टेटस किसका, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का. सो यह एक नया स्टेटस है एज अ रिसर्च यूनिवर्सिटी विल अलाउ एनसीईआरटी टू एंगेज इन ग्लोबल कोलैबोरेशन. मतलब इस जो टैग पाने के बाद कहीं ना कहीं एनसीईआरटी अभी इंगेज हो सकता है ग्लोबली अलग अलग इंस्टीट्यूट के साथ, वो कोऑर्डिनेट कर सकता है और कंट्रीब्यूट कर सकता है टू द ग्लोबल एजुकेशन लैंडस्केप. और इसी के साथ साथ और भी कुछ कुछ नेसेसिटीज इसमें हाईलाइट की गई थी, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग कंटेंट इन द मदर टंग, इसको स्ट्रेस दिया गया था. एंड
प्रपोजल लाया गया था दैट कैसे एस्टेब्लिश किया जाए एन ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब इन ऑल द 7 रीजनल यू नो सेंटर्स ऑफ एनसीईआरटी. इनफैक्ट यही नहीं, अगर बात करें हम लोग इन सेंटर्स जो कि बनाए जा रहे हैं, यस इन सेंटर्स को इक्विप भी होना है विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, जिससे इंडिया एक ग्लोबल हब बन सके रिसर्च एंड इनोवेशन में, और साथ ही साथ स्टैंडर्डाइज करना द टीचर ट्रेनिंग करिकुलम और प्रिपेयर करना चिल्ड्रन फॉर चैलेंजेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0. क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 अगर देख लीजिएगा उसमें अनडाउटेडली इंडस्ट्रीज, अब लोग देख ही रहे ट्रांजिशन तो कहीं ना कहीं हो ही रहा है राइट, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, क्या बोल रहा हूँ आपका जाकर, ये सारे टेक्नोलॉजीज जैसे वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सब की चीजों की इंप्लीकेशन हमें बहुत ज्यादा होते हुए दिख रही है. और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये लैंडस्केप ये इकोसिस्टम को और भी इवॉल्व होने की जरूरत है, जिसके कारण यस ये जो स्टेटस दिया गया है डे टू बी डीम्ड यूनिवर्सिटी का, दिस इज अ वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडियाज एजुकेशन सिस्टम पर से राइट. इसी के साथ गाइस आज का सेशन यहां पे मैं समाप्त करता हूं, मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में विद न्यू सेट्स ऑफ करंट अफेयर मॉड्यूल्स. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड अ वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू गाइस हू आर प्रिपेयरिंग. ऑल द बेस्ट.